हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। हमने जो इससे पिछला टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था रेडियस रेशियो ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जो आज का टॉपिक है वो है रेडियस रेशियो इन टेट्राहेड्रल वॉइड। दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर जगह काम आता है, यहाँ से हर बार पीएमटी में नहीं तो भाई आईआईटी के अंदर एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से समझते हैं। अब मैंने जो लास्ट लेक्चर था उसमें बताया था कि हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर रखते हैं, तो आप उससे ज़्यादा अगर उस टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे लास्ट वीडियो को जाके देख लीजिए। तो अब उसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि भाई किस प्रकार से जो रेडियस रेशियो निकाला जाता है कि वो कैसे हम उसको निकालेंगे, तो उसके बारे में देखते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड को हम कहाँ पर रखते हैं, हम रखते थे डायगनल के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर रखते थे, हम बॉडी डायगनल के ऊपर रखते थे। तो वहीं से हम देखते हैं किस प्रकार से। तो भाई हमारे पास, हमने मैंने मान लिया ये, मैंने पहले बना लिया ये क्यूब। तो इस क्यूब में मैंने यहाँ पर, हमने जब यहाँ पर रखा बॉडी डायगनल के ऊपर, हमने रख देते हैं हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड को। तो उसके अंदर क्या मिला हमारे को कि भाई जब मैं यहाँ पर रखता हूँ इसको, तो मैंने इसको मान लिया, इसका जो अंदर की तरफ जो मैंने बॉडी डायगनल पर जो स्पेयर रखा उसको, उसकी जो रेडियस उसको मैंने स्मॉल आर से डिनोट कर दिया है, और टोटल मिला के वो 2R हो जाती है। अब मैं इस क्यूब की बात करता हूँ, तो इस क्यूब के अंदर दोस्तों क्या है कि सबसे पहले हमने मान लिया ट्रायंगल ABC लेते हैं। कौन सी लेते हैं भाई, ट्रायंगल ABC। हालांकि मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ इनके बारे में, हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में देखा था कि भाई किस प्रकार से हम जो फेस डायगनल है, फेस डायगनल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इस ट्रायंगल के अंदर, ABC ट्रायंगल के अंदर, बाय द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस हम कैलकुलेट करेंगे AC की वैल्यू। तो देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द AC। सो हियर AC² इज इक्वल टू BC² BC² ये है हमारे पास टोटल AC निकालना हमारे को, BC² एंड प्लस किसके बराबर आएगा भाई, AB² के बराबर आएगा। तो AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC² तो हमने यहाँ पर लिख लिया है AC² किसके बराबर होगा, AB² प्लस BC² के बराबर होगा। देन अब अगर मैं इस स्क्वेयर को उस तरफ लेके जाता हूँ तो ये अंडरूट क्रिएट करेगा। तो हम देखते हैं कि भाई AC किसके बराबर हो जाता है, हमारे पास AC हो जाता है AB² प्लस BC² का अंडरूट। तो अब यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हमें ये पता कि भाई हमने जिससे पहले जितने भी हमने टॉपिक पढ़े उसके अंदर मैंने अच्छे से आपको बताया था कि भाई जो भी ये वैल्यू होती है, इन वैल्यू को हम जितने भी एज लेंथ होती स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो AB की वैल्यू कितनी हो गई भाई, ये भी तो स्मॉल ही है। ठीक है, तो A² प्लस A² दोनों ए हैं, ये भी ए है और ये भी है, तो टोटल कितना हो जाता भाई हमारे पास, अगर आप यहाँ से निकालोगे 2A² हो जाता है, और ए का जो स्क्वेयर होता है वो अंडरूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है, इसलिए जो अंडरूट बचता है वो किसके ऊपर बचता है, ओनली 2 के ऊपर रह जाता है। तो हमारे पास वैल्यू मिलती है हमारे को क्या, अंडरूट ऑफ 2A वैल्यू मिल जाती है। अब हम इसे आगे देख, ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है कि जो स्पेयर ए और सी है, ये जो स्पेयर है ना ए और सी है, ये आपस में क्या कर रहे हैं भाई, ये फेस डायगनल पर हैं, ये एक्चुअली में टच कर रहे हैं आपस में, क्या ये एक्चुअली में टच कर रहे हैं। अगर ये आपस में टच कर रहे हैं तो अब हम देखते हैं क्या चीज़ मिलती है हमारे को, और हमने इसकी जो रेडियस थी, इनकी जो रेडियस थी, उस रेडियस को हमने क्या माना था, बड़े आर से हम रिप्रेजेंट करते थे इनको, क्या किससे करते थे, बड़ा जो आर है उसे रिप्रेजेंट करते थे। इसलिए तो AC में हमारे पास एक तो ये रेडियस हो जाएगी यहाँ पर, और एक इसकी यहाँ से रेडियस हो जाएगी, तो टोटल हमारे पास AC किसके बराबर हो जाएगा, 2R के बराबर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर, इसलिए जो हमारे पास 2R की वैल्यू है, अब मेरे पास AC किसके बराबर है, 2R के भी बराबर है, और यहाँ से AC मेरे पास किसके बराबर है भाई, अंडरूट ऑफ 2A के बराबर है। इसलिए मैं इस वैल्यू को दोनों को कंपेयर करता हूँ और इक्वल रख देता हूँ, तो मेरे पास क्या बन गया भाई, 2R इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ 2A। और यहाँ से अगर मैं A की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो भाई मेरे को क्या मिलता है, R इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ 2A बाय 2 मिल जाता है। तो मैं इस वैल्यू को, R की वैल्यू को क्या मान लेता हूँ, वैली जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन मिल जाती है। अब इसके बाद दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, दूसरी ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, ACD ट्रायंगल है। अब की बार कौन सी मानी हमने, AC
ए सी और डी, भाई यहाँ पर मैंने सॉरी यहाँ पर आएगा भाई ए सी और डी ट्रायंगल है, तो ये बॉडी डायगोनल हमारे पास है, तो हम ए सी डी इस ट्रायंगल को लेते हैं। तो ए सी डी ट्रायंगल में क्या देखा भाई हमने, ए डी किसके बराबर है, टोटल ए डी निकालनी थी हमें, हमारे को ए डी किसके बराबर है ये यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना था। तो ए डी जब मैं निकालता हूँ तो मेरे पास किसके बराबर मिलेगी, ए सी का स्क्वेयर, यहाँ पर भी तो वही है ए सी स्क्वेयर प्लस ये क्या हमारे पास सी डी स्क्वेयर, तो ए सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर इसका रूट, और यहाँ से हमारे पास अभी अभी हमने कैलकुलेट किए फेस डायगोनल की वैल्यू कैलकुलेट की है, कितनी कैलकुलेट की है भाई अंडर रूट ऑफ 2a, वो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुटअप कर दी ये देखो, और हमारे पास सी डी की कितनी वैल्यू है, सी डी कितना है मेरे पास, सी डी वैल्यू है भाई मेरे पास कितनी है ए है, तो इसलिए ए का स्क्वेयर हो गया हमारे पास। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन देखते तो हमारे को मिला कितना अंडर रूट ऑफ 3a मिल जाता है। अब जब अंडर रूट ऑफ 3a मिल जाता है वह हमें ये पता भाई, अब यहाँ से ध्यान से देखो ये टोटल कितनी है ए डी है, टोटल कितनी है ए डी है, अगर मैं यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर और यहाँ तक की वैल्यू को निकालूँ, इस मिड तक की वैल्यू को निकालूँ तो कितना हो जाएगा, ए डी का यहाँ तक हाफ हो जाता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ए डी बाई टू, ए डी बाई टू कितना है ये हाफ हो गया, तो ए डी बाई टू कितना हो गया ये आर प्लस ये आर ए डी बाई टू हो जाता है, तो भाई मेरे को क्या मिला आर प्लस आर कितना हो गया भाई ए डी बाई टू मिल गया, और ए डी बाई टू मिल गया तो अब ए डी की वैल्यू जो अभी अभी हमने कैलकुलेट की है टोटली ए डी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू कहाँ पर भाई हमारे पास ये रही हमारे पास ए डी की वैल्यू, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुटअप कर दी तो अंडर रूट ऑफ 3a बाई टू मिल जाता है। मैं इसको इक्वेशन नंबर टू मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लेता हूँ। अब क्या करेंगे हम, जो नाउ डिवाइड इक्वेशन टू बाय फर्स्ट, अब जो इक्वेशन टू उसको हम फर्स्ट से डिवाइड कर देते हो तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलती है देखना ज़रा भाई, आर प्लस आर अपॉन आर ये था हमारे पास सेकंड वैल्यू कौन सी, ये रही आर प्लस आर, और हमारे पास हमने कौन सी से इसको डिवाइड कर दिया ये वाली इक्वेशन से, तो हमारे पास ये रहा हमारे पास इस इक्वेशन से, तो ये अपॉन में ये जब आएगा तो ये आर इसके नीचे आ गया, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 3a बाई टू, अंडर रूट ऑफ 3a बाई टू इसके डिवाइड में क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2 बाई अंडर रूट ऑफ 2a बाई टू, तो ये 2 होगा ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवाइड के बाई डिवाइड होता है वो ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 बाई अंडर रूट ऑफ 2a आ चुका है। अब यहाँ से जैसे आप देखोगे कैलकुलेशन देखते हो तो आपके पास क्या मिलता है ध्यान से देखना, आप यहाँ से आप ये कैंसिल हो रहा है भाई यहाँ पर ध्यान से देखो, ए से ए कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो मेरे पास क्या मिला है टू से टू, ए से ए क्या मिलता है भाई मेरे पास अंडर रूट ऑफ 3 बाई अंडर रूट ऑफ 2 ये मेरे पास वैल्यू मिल गई। अब जब इसको आप सोल्व करोगे तो आर बाय आर मिलेगा प्लस स्मॉल आर बाय जो बड़ा आर हमारे पास ये बिग आर है ये मिलेगा, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस आर बाय आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 बाय 2 मिल गया। अब इससे आगे क्या देखा, अब इसी को हम सोल्व करते हैं, तो क्या देखा भाई हमने इस 1 को मैं उस तरफ ले गया तो माइनस में हो गया, माइनस में हो गया तो अब इसको ये कंप्लीट के नीचे है तो इसलिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे के पास क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 बाय अंडर रूट ऑफ 2 मिल जाएगा। अब हमें बस सिंपल क्या करना है, इनकी वैल्यू को पुटअप करना है और देखना हमारे पास वैल्यू आर अपॉन आर इज इक्वल टू 1.732 ये हमारे पास है अंडर रूट 3 की वैल्यू माइनस कितना है भाई अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.414 अपॉन कितना हो जाएगा भाई हमारे पास अंडर रूट 2 अगेन तो 1.414 देन वी कैन सोल्व आउट इट एंड वी कैन फाइंड 0.225 वैल्यू। सो दिस इज द रेडियस रेशियो ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो भाई ये यहाँ से हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो दोस्तों देखते हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और हमारे पास एक रिलेशनशिप रहता है, हो सकता मैं उसके बाद उसको सोल्व करूँ, तो देखते हैं। तो ये था हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।